Hey guys, you're watching Tricky Speaks. मैं आयुष हूं। ये वीडियो Duffest OS के बारे में है। Duffest ROM के बारे में मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है। एक अच्छी ROM है। मैं आपको फ्लशिंग प्रोसेस बता देता हूं। तो फॉर द फ्लशिंग प्रोसेस आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं Poco F5। ओके, तो आई हैव टाइप द Poco F5। आप इस चैनल में चले जाएंगे, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अपने Poco F5 के लिए जो डेवलपमेंट है उसके बारे में जानना हो, जैसे कि ROMs, रिकवरीज, कर्नल्स वगैरह, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इवन जो ऑफिशियल ग्रुप है टेलीग्राम का, डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑफिशियल Duffest OS का, मतलब आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर है, फ्लशिंग इंस्ट्रक्शंस अगर आपको देखने हो तो फिर आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में तो मैं बता ही दूंगा। डाउनलोड एनीवे, खैर मैं डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि रोम पैकेज मेरे पास पहले से है, तो डाउनलोड प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्लैशिंग प्रोसेस की तरफ। चलिए, दो चीजें यहाँ पर है एंड लेट मी जस्ट मूव टू माय रिकवरी। और रिकवरी में जाने से पहले आपको एक वार्निंग दे दूं कि आपका जितना भी डेटा सब वाइप होने वाला है, इसलिए सब कुछ बैकअप कर लिया। तो लेट मी जस्ट बूट टू TWRP। ऐसे अनऑफिशियल बिल्ड ऑरेंज फॉक्स का भी आ चुका है। TWRP का बिल्ड भी अभी अनऑफिशियल ही है Poco F5 के लिए, मे बी बिकॉज इट इज एवी पार्टीशन डिवाइस। उसके बाद मुसीबत ये हो जाती है कि आउट ऑफ द बॉक्स ये MIUI 14 पे आया था और बहुत जल्दी इसे अपडेट मिल गया हाइपर OS का। तो चलिए फ्लैशिंग प्रोसेस में ये क्लीन फ्लैश होने वाला है। वाइप में चले जाइए, एडवांस वाइप, डेवलेक, कैश, मेटा डेटा डेटा, स्वाइप टू वाइप एंड देन गो टू इंस्टॉल। इंस्टॉल के बाद क्विक शेयर में हमारी फाइल्स है। तो यहाँ पर मैं रोम पैकेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास नहीं है तो फिर आप ऑटोमेटिकली रिफ्लैश TWRP आफ्टर फ्लैशिंग रोम। इस ऑप्शन को टिक, तो लेट मी जस्ट स्वाइप टू फ्लैश एंड इट इज फ्लैशिंग इन द इनएक्टिव पार्टीशन स्लॉट ए। फ्लैश होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ आपको क्या अच्छी चीजें देखने को मिलती है वगैरह, कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, कैसी चार्जिंग स्पीड वगैरह रहती है, बैटरी लाइफ कैसी रहती है। मैंने पिछला वीडियो CR ड्रॉइड पर दिया था और उस वीडियो में आपको बताया था कि आप जिस रोम पर पहले से हैं और उसके बाद किसी दूसरे रोम को फ्लैश करते हैं तो उस पर जो भी ओपिनियन, जो भी आपकी राय होती है वो इसके कंपेरिजन में होती है। आप जिस रोम का प्रयोग पहले कर रहे थे, मतलब पहले मैं CR ड्रॉइड पर था तो उससे तो कंपेयर करूंगा ही, एंड उससे पहले मैं जिस रोम पे था जो कि एवोल्यूशन X 8.5 थी उससे भी मैं कंपेयर करूंगा। एंड इसके बाद मैं ट्राई करूंगा कि हो सके तो हाइपर OS का जो फास्ट बूट रोम है उसे फ्लैश करने का वीडियो बना दो। अगर बहुत से लोगों का डिवाइस बूट लूप वगैरह होता है तो फिर उसे कैसे फिक्स करना है, इसके लिए ये करना जरूरी है। जस्ट वेट फॉर फ्लैशिंग प्रोसेस टू कंप्लीट। वैसे आपको ये सब अच्छा लग रहा हो तो इफ यू लाइक माय स्टफ प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई रिपीट, Poco F5 में TWRP कैसे फ्लैश करनी है दोनों पार्टीशन में एक ही कमांड से, AB दोनों पार्टीशन में। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई फील जो स्टेप 1 है वो कंप्लीट होने वाला है। एनीवेज, तो हमारा डेटा, तो जस्ट टाइप इन यस, उसके बाद रिबूट सिस्टम। रिमेंबर, फर्स्ट बूट थोड़ा टाइम ले सकता है, बी पेशेंट। एंड मैंने अब तक जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है फ्लैशिंग का Poco F5 में, तो मैंने देखा है कि जो ज्यादातर रोम्स हैं वो बूट में काफी टाइम लेती हैं। ओके, यू कैन सी दैट Duffest OS इज ओवर हियर। ओके, इट इज बूटिंग। ओके, तो डिवाइस बूट हो गया है। इट सेज दैट वेलकम टू योर पिक्सल। तो चलिए जल्दी सेटअप प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत यूज करके मैं तो कुछ घंटे का यूज करूंगा और वीडियो का दूसरा पार्ट बाद में रिकॉर्ड करने वाला हूँ। खैर, आपको सब कुछ एक ही वीडियो में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं Duffest OS के साथ क्या क्या अच्छी चीजें आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई गेट टू सेटिंग्स, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट 5th of May 2024, लिनक्स स्टेटस एनफोर्सिंग है। एंड प्ले स्टोर में यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस इज सर्टिफाइड। अब जरा इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लीजिए, मैंने काफी गेमिंग की है और मैं 2-3 बार स्ट्रीम भी कर चुका हूँ जब मैं इस रोम पर था, तो परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी मिली है। मैंने कुछ बेंचमार्क रन किए थे और उसके स्कोर्स आपके सामने हैं। एंटीटू बेंचमार्क में मुझे 1 मिलियन के ऊपर स्कोर मिला था। एंड फॉर द थर्मल कंसिस्टेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनिशियल टेम्परेचर 35.3 डिग्रीज था, क्योंकि राइस करके 37 गया था, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइस नहीं हुआ था। एंड फॉर द थर्मल थ्रॉटलिंग यहाँ पर इट गेट्स आउट टू बी द बेस्ट रोम, मतलब यहाँ पर स्कोर काफी हद तक एवोल्यूशन X रोम पर जो स्कोर मुझे प्राप्त हुए थे उसके करीब है। मैं यहाँ पे बता दूं कि इसी रोम के साथ जो ग्राफ था वो मुझे इतना कंसिस्टेंट मिला है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना भी कुछ डिफरेंस मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और CPU थ्रॉटल 86% ऑफ इस मैक्स परफॉर्मेंस, मैक्स स्कोर गया है 3,10,000 तक, एवरेज वॉज 2,82,000 एंड द मिनिमम वॉज 251,000, 2,51,000। तो दिस वॉज रिगार्डिंग द बेंचमार्क्स। अब जरा विजुअल्स की बात कर ली जाए तो फिर कैमरा एप्लीकेशन के तौर पर यहाँ पर आपको MIUI कैमरा ऐप मिलती है। चलिए आपको बताते हैं कि आपको किस लेवल का कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है इसके साथ। मैं डेप्थ स्पेस पर चला जाता हूँ, बैटरी सेटिंग्स पर आपको बैटरी स्टाइल कौन सा रखना है आप डिसाइड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर ये सभी जो जो कुछ सेटिंग्स का जो पैनल है यहाँ पर, ये सब कुछ राइट साइड पर ही अरेंज कर रहा था, इस वजह से ऑलमोस्ट जगह नहीं बच रही थी। एक दो चीजें जो नॉच है यहाँ पर उसके पीछे हाइड हो जा रही थी, इस वजह से मैंने इसे टेक्स्ट पर रखा हुआ है। वैसे यहाँ पर पोर्ट्रेट और सर्कल का ऑप्शन मिल जाता है, एंड इफ आई सिलेक्ट द पोर्ट्रेट आपको परसेंटेज बैटरी आइकन के अंदर दिखानी है, बाहर दिखानी है, सब आप चूज कर सकते हैं। क्लॉक सेटिंग्स एंड वेयर यू वॉन्ट टू शो द AM/PM स्टाइल और ऑल। एक्चुअली यहाँ पर भी आपको क्लॉक भी राइट हैंड साइड पर ही मिलती है, तो इसी वजह से मैंने AM/PM स्टाइल को हाइड किया हुआ है, नहीं तो मैं तो AM/PM स्टाइल को प्रीफर करता हूँ। इसके बाद स्टेटस बार आइटम्स आपको क्या रखने हैं, आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ट्रैफिक इंडिकेटर्स, आपको बस ट्रैफिक इंडिकेटर्स इनेबल या डिसेबल करने का ऑप्शन मिलता है, एंड यू कैन हाइड द ट्रैफिक इंडिकेटर व्हेन इट इज इनएक्टिव।
मिसलिनियस में आपको जो लोगो यहाँ पर डिस्प्ले करना है, कौन सा लोगो डिस्प्ले करना है, चूज करने का ऑप्शन आ जाता है। लोगो आपको लेफ्ट में शो करना है, राइट में शो करना है, आप चूज कर सकते हैं। एंड लोगो स्टाइल कौन सा होगा, क्या ये तो कस्टम यूजर्स जानते ही होंगे। एंड फॉर नाउ आगे बता देते हैं कि आपको स्टेटस बार में लिरिक्स शो करने हैं नहीं करने हैं। तो कलर्ड आइकन्स एंड आइकन्स को भी आप कलर कर सकते हैं इन द स्टेटस बार। तो इफ आई मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4G आइकन आपको डिस्प्ले करना है कि नहीं, ट्रैफिक इंडिकेटर्स एंड यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स का जो पैनल है उसमें अलर्ट नोटिफिकेशन अगर इनेबल करने के लिए अलर्ट नोटिफिकेशन क्या होते हैं मैं आपको बातें बता दूंगा। ओके एंड फॉर नाउ बैकग्राउंड ओपेसिटी कुछ सेटिंग्स अगर आप ऐसे ड्रॉप डाउन करते हैं तो बैकग्राउंड ओपेसिटी वगैरह क्या होगी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। एंड इफ आई गेट टू द लॉक स्क्रीन का यूआई कैसा होगा एंड चार्जिंग एनिमेशन वगैरह कैसे दिखाई देंगे, जनरल सेटिंग्स, पल्स कस्टमाइजेशन, क्या ज्यादा कस्टमाइजेशन की बात ना करते हुए इफ आई गेट टू यस नेक एप्लीकेशन। एंड यहाँ पर आपको बता देते हैं कि सेफ्टी नेट पास हो रहा है कि फेल। एक्चुअली यहाँ पर अगर मैं सीधे टेस्ट करूंगा तो फिर फेल होने वाला है सेफ्टी नेट, बिकॉज मैं मैजेस का यूज कर रहा हूँ एंड मुझे मैजेस में जाकर एप्लीकेशन को हाइड करना पड़ेगा। एंड हियर यू कैन सी कि फॉर बेटर लाइफ आई शुड टेल यू दैट यू गेट अ स्क्रीन ऑन टाइम ऑफ 5 to 6 hours विद दिस रोम एंड दिस इज अ रियली गुड स्क्रीन ऑन टाइम। बैटरी परसेंटेज मुझे काफी कम बची है, बैटरी 15% ही बची है। तो चलिए यस नेक एप्लीकेशन में जाकर दिखा देते हैं आपको कि सेफ्टी नेट पास हो रहा है या फेल। पहले मैजेस से इस एप्लीकेशन को हाइड कर देते हैं। आई गेट टू मैजेस एंड देन कॉन्फिगर डिनायल लिस्ट एंड हियर इज द यस नेक गेट अनदर सेफ्टी नेट अटेस्टेशन चेकर। तो यहां से मैंने एप्लीकेशन हाइड कर दी है। तो इफ आई लॉन्च द यस नेक एप्लीकेशन, रन सेफ्टी नेट अटेस्टेशन एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक इंटीग्रिटी एंड सीटीएस प्रोफाइल मैच दोनों पास हो गए हैं, मतलब मैं सारी की सारी बैंकिंग एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकता हूँ। तो आई फील इस रोम के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। बाकी आपको डिटेल रिव्यू वगैरह चाहिए तो यू कैन लीव द कमेंट्स। ओके एंड एक बात बतानी रह गई, वाइपर फॉर एंड्रॉइड एफएक्स आपको बिल्ट इन मिलती है, यहाँ पे सब कुछ काम कर रहा है। वाइपर एफएक्स के बारे में पहले बात कर चुका हूँ, ज्यादा डिटेल्स में इस वीडियो में मैं नहीं जाऊंगा। तो आई फील सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि ये रोम कैसी है, आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। आगे का प्रोग्राम मैं अपना बता देता हूँ, मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको हाइपर ओएस इसमें कैसे फ्लैश करना है, फास्ट बूट रोम की मैं बात कर रहा हूँ। एंड उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको एवोल्यूशन एक्स वर्जन 9.0 कैसे फ्लैश करना है। ये सब देखने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वी हैव बीन वाचिंग ट्रेक स्पीच, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।